ओम शांति। आज प्यारे बाबा की होली में बाबा ने खान पान की परहेज के ऊपर बहुत जोर दिया है, तो उस पर एक कहानी याद आ रही थी महाभारत की। महाभारत में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, पांचों पांडव और द्रौपदी उनसे मिलने के लिए गए, तो वो बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रहे थे। द्रौपदी ने उनसे पूछा, पितामह जब भरी सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था, उस समय पर आपकी ये सब शिक्षाएं कहाँ थी? तो बहुत सुंदर जवाब दिया पितामह ने कि उस समय मेरी रगों में दुर्योधन का खून था, मैं उसका अन्न खा रहा था और मेरे शरीर में ही उसका रक्त संचार हो रहा था। उसके अन्न का असर मेरे मन पर था और अर्जुन के बाणों ने मेरे रक्त में से वो असर निकाल दिया है। अब मेरे अपने निजी वास्तविक संस्कार जागृत हो गए हैं। तो बाबा ने जो आज कहा मुरली में कि बच्चे तुम्हें पतित के हाथ का नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना, अशुद्ध खान पान नहीं खाना, बीड़ी सिगरेट शराब गंदी चीजें नहीं खानी है, क्यों? क्योंकि उनका हमारी अवस्था के ऊपर असर आता है। तो अगर हम बाबा की इस शिक्षा को धारण कर लेते हैं, और दूसरी बात बाबा ने आज कही कि हर प्रकार का परहेज करना है, जिसको राधे जानकी जी हमेशा कहा करते थे कि अगर ब्राह्मण जीवन में लंबी आयु जीनी है तो आपको अन्न और संग दो परहेज जरूर करने हैं। जिन ब्राह्मणों के अन्न और संग के परहेज रहते हैं वो ब्राह्मण इस ब्राह्मण आयु में बहुत लंबी आयु तक जीवन जीते हैं। अमर भक्तों को वरदान मिल जाता है, माया उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। तो प्यारे बाबा के आज के महावाक्यों से हम ये शिक्षा अपने जीवन में जरूर धारण करेंगे कि हमको अन्न और संग का परहेज करना है। ओम।